अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब ठीक है? तो जैसे कि मैंने रात आपको बताया था कि मैं सादिया से करवाऊंगी आईब्रोज, तो सादिया आ चुकी है। तो सादिया सामने आई। हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? यकीनन आप ठीक होंगे। और मैं अपनी फ्रेंड की प्लकिंग करने लगी हूँ। यकीनन आपको पसंद आएगी, कमेंट्स में बताना, ठीक है? करें ये मैं अभी इस साइड के पहले करूंगी, ऊपर से इसको और शेप में पसंद है। पकड़े भाभी पकड़े। अब मैं नीचे से स्टार्ट करने लगी। स्किन टाइट रखें। चेक करना, ठीक है? मैंने मोटी मोटी शेड में बनाई है। अब इधर से ये अभी दो बाल निकलेंगे, निकालती हूँ ये वाले, है ना? स्किन टाइट करके पकड़े ना, जितना अच्छा पकड़ेंगे उतनी अच्छी प्लकिंग होगी। थोड़े जरा अभी इधर से पकड़ो, ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ो, ऐसे करके। स्किन ऊपर से टाइट करें, टाइट करें ना, उनकी स्किन भी बड़ी सेंसिटिव सी है। छोड़ो, ऐसे नहीं, ऐसे टाइट करके पकड़ो ऊपर की तरफ। दो चेक कर, अच्छी लग रही है। और तो नहीं बारीक करनी? नहीं, आपको पता है ना, मुझे अच्छी लग रही है बस इतना। ठीक है, बाकी बस ये दो बाल निकलेंगे। कौन से वाले? ये वाले। चलो ठीक है, कपड़े पकड़े भाभी। हाँ, ये निकलेंगे, है ना? भाभी भी प्लकिंग अच्छी पकड़ रही है सच्ची में। अभी
ठीक है, तैयारी शेप हो गई है अब आपकी, अब दूसरी साइड पे आएंगे। थोड़ी सी कटिंग नहीं होगी अभी? कर देते हैं आप कहते हो तो। मेरे ख्याल से ऊपर से थोड़े से बाल निकलेंगे। बताओ भी ना साथ। अब मैं राइट के करके लेफ्ट पे आई हूँ पकड़े, अब मैं नीचे से स्टार्ट करने लगी हूँ। ये देखें, अब नीचे से स्टार्ट कर रही हूँ, यकीनन आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। आईब्रो के आगे करना, उनको पता चले। जी वीवर, आपने देखा कि आईब्रोज साधिका ने बना दी है, तो आप मुझे बताना कैसे बने। देखिए, और पसंद आए तो आपने भी ज़रूर ज़रूर मुझे मैसेज करना है, ठीक है। तो अभी मैं अपर लिप्स करवाने लगी हूँ, चलो साधिका करो। उधर रखना, आपको पता है 4 से 5 से ज़्यादा बाल नहीं लेते। और ये देख रहे हैं, अब मैं अपर लिप करने लगी हूँ, धागे का भी आपको बता रहे हैं कैसे चलाते हैं। तो जी आपने देखी आईब्रोज साधिका ने की, तो मुझे यही शेप पसंद है और इसी तरह की मैं आईब्रोज खुद भी करती हूँ। तो जब भी हम काम करते हैं तो मैं और साधिका हम इकट्ठी करती हैं काम। तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा ना? अच्छा लगा ना? बहुत भाभी, मैं सही लग रही हूँ? बहुत प्यारी लग रही हूँ। बहुत प्यारी लग रही है। ले जी, भाभी ने बोल दिया है कि बहुत प्यारी लग रही हो। ना भी करवाती तो अच्छी लग रही थी। बस वो आपको पता है ना कि एक पार्टी पड़ गई है। हाँ, जरूर। तो वहाँ पे जाना बड़ा जरूरी था। हाँ, शाम में जाना है वो तो। चलें, ठीक हो गया। और ये किस खुशी में हो रही है आपको मैं बताऊंगी, ये क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है सारी तैयारी? क्या हो? साधिका, क्या है, कुछ बोलोगे आप अपने इस बारे में? जानने वालों, किधर आओ, जो सोफे पे ना बैठे। तो जी मैं कैसी लग रही हूँ? साधिका ने मेरे आईब्रोज किए, मेरे अपर लिप्स किए, और कटिंग मैं अभी नहीं करवाऊंगी, और कैराटीन मैं करवाऊंगी। क्यों साधिका करोगी ना? हाँ, क्यों नहीं। तो साधिका मेरे कैराटीन भी करेगी, और वो भी आप महंगे महंगे सलोन में जाते हैं तो हम आपको घर में कैसे करते हैं ये बताएंगे कि आप घर में रह के अपने सारे काम जो है ना वो कर सकेंगे, ठीक है। तो अभी मैं भाभी के मेहंदी लगाने लगी हूँ, तो आप मुझे लाइक करना, शेयर करना, और शुक्रिया बहुत ज़्यादा, आपने इतना प्यार दिया। साधी इधर आओ ना यार, बैठो ना अभी। बैठती हूँ यार। ये यार बस इनकी यही एक ना खामी है कि ये ना सही से बैठती नहीं है, काम से बस काम 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 काम। तो मैं भी बहुत करती है ना भाभी, कितना काम करती हूँ, बहुत सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है ना। मैं सलोन भी चलाती हूँ, घर का भी करती हूँ, बच्चों को भी देखती हूँ, फिर मुझे अगर अर्जेंटली कहीं दुल्हन तैयार करने जाना पड़े तो फिर वहाँ पे भी मैं जाती हूँ। पार्टी मेकअप वगैरह, तो मुझसे ज़्यादा तो ये बिजी नहीं ना, इसकी तो शादी भी नहीं हुई, तो मेरे तो 2 बेबी हैं तो उनको भी संभालना होता है। तो आप लोगों ने ऐसे डट के मेरे साथ खड़े होना है, ठीक है ना, आपने पीछे नहीं हटना। आपने जितना मेरा साथ अभी दिया है ना, तो आगे भी इसी तरह से आपने मेरा साथ देना है। आपके साथ की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आपके साथ की ज़रूरत है। भाभी इधर आ जाए, मैं आपको मेहंदी लगाती हूँ। चलो
ठीक है आए ना करे स्टार्ट वो मेहंदी पकड़ी तो भाभी के मैं मेहंदी लगाने लगी हूँ तो आपने जरूर बताना है, शोर नहीं करो बेटा। और आप सब दुआ करना कि भाभी का भी बेबी हो, भाभी बेचारी बहुत परेशान रहती हैं, है ना भाभी, तो आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है। जितने लोगों ने मेरे लिए दुआ की है ना, तो उतने ही आप सब मिलके दुआ अगर भाभी के लिए भी करेंगे तो ये काम भी हो जाएगा। खुदा उनको बेबी दे जल्द से जल्द। भाभी कितने साल वैसे हो गए? ये दिसंबर में 4 साल, मतलब के ये मतलब के स्टार्ट ही है अब, 11 को 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे। 4 साल हो गए हैं तो इनके पास बेबी नहीं है, तो आपने दुआ करनी है अल्लाह ताला इन पे करम करे और इन्हें औलाद जैसी नेमत अता फरमाए। जैसे मुझे अल्लाह ताला ने 7 साल बाद बेटा अता किया है, इसी तरह से अल्लाह आपकी भी सुन लेगा। आमीन। क्यों ना। हाँ जी, तो आप सबने दुआ करनी है भाभी के लिए भी। तो ये देखिए मैं भाभी के मेहंदी लगा रही हूँ, तो आपने मेरा साथ देना है, है ना सादिका जी? क्यों नहीं, हम कितनी चाह से इनके लिए वीडियो बनाते हैं। क्यों नहीं ये देंगे, ये लोग साथ देते हैं तो आप इतना कमर से इतने आ गए हैं ना आपको, ये कोई मुश्किल बात नहीं है मेहंदी लगाना। मैं आपको वैसे सिखाऊंगी तो शीशे के ऊपर सही से लगानी आ जाती है। सादिया कैराटीन बहुत बहुत अच्छी करती है, तो वो भी हम आपको ना बताएंगे कि सादिया कब और कैसे मेरा कैराटीन करेगी। क्यों सादिया करोगे? क्यों नहीं, क्यों नहीं, आप सबने लाइक देने हैं, इस तरह से आपने पहले कर लेने, इसके बाद आपने फिर आगे का जो डिज़ाइन है ना वो आपने इस तरह से बनाना है। मुन्ना क्या कर रहे हो, गिर जाएगा मेरा और सादिका का घर बिल्कुल पास पास है, है ना सादिका? हाँ क्यों नहीं। जब मर्जी हम लोग एक दूसरे से मिलने आ जाते हैं, और कोई काम हो तो, काम तो बहुत ज़्यादा आता है, जब काम हो तो फिर मैं आ जाती हूँ इनके पास। शोर नहीं करो भाई, गिर जाएगा। नहीं बेटा बस आपको मेहंदी पकड़नी आनी चाहिए, तो जब आपको मेहंदी पकड़नी आ जाएगी तो आपके सारे काम जो है ना वो आसान हो जाएंगे। अरे बेटा क्या कर रहे हो, शाइन शाइन रोको इनको बेटा, आप सब इकट्ठे होके बहुत शोर मचा देते हो। आज मैं आपको अपनी फ्रेंड से भी मिलवाऊंगी, तो वो भी आपके सामने आएगी, है ना सादिका? नहीं वाली है। कितनी देर होगी हमारी आशिकी मशुकी को कितनी देर होगी कितनी देर वैसे हो गई है? तकरीबन 10 साल हो ही गए हैं, इतने ही है ना? हाँ 10 साल हो गए। बहुत प्यारी मेहंदी लगा रही है, ब्राइडल मेहंदी भी लगाएंगे, ठीक है? ठीक है। मेरी फ्रेंड है जो अभी मेरी न्यू बनी है ना, वो कह रही हैं आप कस्टमर का भी काम करके दिखाएं, तो कस्टमर कोई आते हैं? कहते हैं हमने नहीं कैमरे के सामने आना। नहीं कस्टमर तो नहीं आते हैं, कहते हैं हमने कैमरे के सामने नहीं आना, वैसे आ जाते हैं कैमरे के सामने नहीं आते।
देखा वही जो हम रात मैसेज पढ़ रहे थे, तो लड़की कह रही मुझे लगता है आप मेरे घर के करीब रहती हैं ना, तो मैंने उनको रात बोला, मैंने कहा मुझे तो नहीं लगता। हाँ ऐसे ही है भाव नहीं, क्योंकि वो फ्री हो रहा है, फ्री हो रहा है शादी। आपने ये पूछा कि सादिका है ना, सादिका का पूछ रहे थे, सादिका कौन है, तो सादिका भी सादिका और जो दूसरी है मेरी फ्रेंड करो ना। ये देखें व्यूअर, मैंने मेहंदी लगा ली है, कैसी लगी? ऐसे करो भाभी, ऐसे अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताना। किरण, माही और एक और मेरी फ्रेंड है, उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है कि जी आप मेरी फ्रेंड बनोगे, तो जी मैं आपकी फ्रेंड हूँ आज से इसी दिन से। तो जितने मेरे चाहने वाले हैं उन सबको मैं भी प्यार करती हूँ। और मेहंदी आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, और सादिया कैसी लगी ये भी बताना, और सादिया का काम कैसा लगा ये भी बताना। तो आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़, बाय बाय करो। ओके बाय बाय, खुदा हाफिज़, फिर मुलाकात होगी आप सब से। बहुत अच्छा लगा हम आए। खुदा हाफिज़, दुआओं में आपने याद रखना, और आपने बिल्कुल पीछे नहीं हटना, मेरे साथ ऐसे खड़े रहना है, ठीक है ना? चलो ठीक है, खुदा हाफिज़, बाय बाय, खुदा हाफिज़, बाय बाय।